नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे इस न्यूज चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। उत्तर प्रदेश के कानपुर के निकट कल रात बड़ा रेल हादसा हो गया। हावड़ा से दिल्ली आ रही पूर्वा एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। यह हादसा रात करीब 1 बजे का है, जब ट्रेन कानपुर से निकट रूमा स्टेशन से गुजर रही थी, तभी ट्रेन के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें से 4 डिब्बे पूरी तरह पलट गए। हादसे में 20 लोगों के घायल होने की खबर है। यात्रियों के मुताबिक रात करीब 1 बजे तेज धमाका हुआ। इस धमाके के साथ ट्रेन 2 हिस्सों में बट गई। तेज झटके के कारण रात के वक्त गहरी नींद में सो रहे लोगों में दहशत फैल गई। वही एक पेंट्री और एक जनरेटर वैन भी शामिल है। यात्री बोगियों में 5 3-टायर AC, 2 बोगी 2-टायर AC और 1 फर्स्ट क्लास AC की बोगी शामिल है। हादसे के बाद NDRF की 45 सदस्य की टीम मौके पर पहुंच गई है। टीम तेजी से घायलों को बाहर निकालने का काम कर रही है। इसके साथ ही UP ATS की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। घायलों को कानपुर के अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। जिला मैजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और उनकी देखरेख में बचाव कार्य चल रहा है। बयान में कहा गया है कि अनेक ट्रेनों को मार्ग परिवर्तित करके चलाया जा रहा है, साथ ही अनेक ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया है। दुर्घटना के बाद रेलवे ने तुरंत यात्रियों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने की कोशिश की। दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन के यात्रियों को 4 बसों के माध्यम से रूमा से कानपुर लाया गया। वहां से उन्हें स्पेशल ट्रेन के माध्यम से दिल्ली भेजने की व्यवस्था की गई है। यात्रियों को कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन लाया गया, जहाँ से उन्हें सुबह 5:40 बजे विशेष रेलगाड़ी से नई दिल्ली के लिए रवाना किया गया।